अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शहर विकास की कसम, एक एक को चुन चुन कर लाऊंगा, चुन चुन कर लाऊंगा। मनपा, मैं आ रहा हूँ। बुरा रवाना होली है। आपको और आपके परिवार को होली और रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। शुभेच्छुक संजय मंत्री, जिला अध्यक्ष, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन परभनी। नजर नजर मेरी नजर नजर, महानगर पालिका पर मेरी नजर। कामड़े फारूक बाबा सचिन देशमुख, ये नगर सेवक है, यहाँ के नगर सेवक, यही लाएंगे महानगर पालिका में परिवर्तन। नगर नगर और डगर डगर, महानगर पालिका पर मेरी नजर। बुरा न मानो होली है। एसपी के विशेष पथक ने अवैध गुटके के साथ 19 लाख रुपए का मुद्दे माल पकड़ते हुए 3 पर अपराध दर्ज किया है। कार्रवाई 17 मार्च 2022 गुरुवार के सुबह के दरमियान हुई है, जिसमें 9,65,480 रुपयों के गुटके के साथ एक बेलोनो कार, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है, और मोबाइल 30,000 रुपए कीमत का बताते हुए कुल 18,95,480 रुपयों का मुद्दे माल पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। ग्राम पुलिस थाने के हद में एसपी जयंत मीना इनके पथक के PSI विश्वास खोले, पुलिस कर्मी राठौड़, रामकिशन काले, अरुण कामड़े, सैयद जाकिर अली, भारत मलावड़, इनका पथक अवैध धंधों की जानकारी हेतु गश्त करते समय गुप्त जानकारी मिली। फोर व्हीलर गाड़ी में गुटखा लाया जा रहा है, उसी के तहत एसपी जयंत मीना इनके मार्गदर्शन पर पथक ने जाल बिछाकर मुरुम्बा धार रोड पर धार फाटा स्थित रास्ते पर आने वाले उसी गाड़ी को रुकाकर बताए हुए गाड़ी के अंदर छानबीन करते हुए फोर व्हीलर गाड़ी में बैठे हुए मानिक कदम आनंदा ढोने, ये खुद के फायदे के लिए बिकाने के इरादे से गुटखा बेलोनो कार में ले जाते हुए अवैध गुटखा पाया गया, जिसके पास गुटखा 9,65,480 रुपयों का और एक कार जिसकी कीमत 9 लाख रुपए और मोबाइल 30,000, ऐसा कुल मिलाकर 18,55,480 रुपयों के मुद्दे माल हिरासत में लेते हुए मानिक कदम और आनंदनाथ ढोंडे, इनको हिरासत में लेते हुए उन्होंने खरीदी किए हुए व्यक्ति मतीन बेग को रहने वाला खड़कपुरा नांदेड़, इन तीनों पर भारत नलावड़े, इनके फिरियाद पर ग्रामीण पुलिस थाने में कलम 188, 271, 272, 328, 34 भादवी के तहत अपराध दाखिल किया गया है। स्पीड फायर सर्विस, हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। तुम रूठे रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठे रहो मैं मनाता रहूं, मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। बुरा न मानो होली है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मी मेडिकल अनलया, मी तर मेडिकल अनलया, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। बुरा ना माना होली है। वनी के अनशन मैदान पर बैठे अनशनकर्ताओं ने, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष और लाल सेना के नेतृत्व में शासन के भ्रष्टाचार की होली की गई। इस समय कॉमरेड राजन सिरसागर, कॉमरेड गणपत विजय, अंगद जाधव, सरजेराव जाधव, राजे कदम, आनंद जाधव, पुरुषोत्तम कदम, अमोल कदम, संदीप जाधव, तुकाराम जाधव आदि के साथ ग्रामवासी बड़ी संख्या में हाजिर थे। आज परभणी जिल्हाधिकारी कचेरीवर भ्रष्टाचार, दडपशाही, भ्रष्ट नौकरशाही, घोटाळेबाजी, जातीय द्वेष, हे जे काही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लागलेली कीड आहे, त्या कीडीची या ठिकाणी आम्ही होळी करत आहोत। गावागावामध्ये 13व्या 14व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे घोटाळे झालेले आहेत, तालुक्या सिंचनाच्या धरणांमध्ये घोटाळे झालेले आहेत, वीज पुरवठ्यामध्ये घोटाळे झालेले आहेत, शाळा कॉलेजच्या ॲडमिशनमध्ये घोटाळे झालेले आहेत, फीस वसुलीमध्ये घोटाळे झालेले आहेत, रेशनमधला जिल्ह्यामधला घोटाळा गाजतो आहे। या जिल्ह्यामध्ये रोज आपल्या मीडियामध्ये एक ग्रामसेवक तरी किमान सापडल्याची बातमी येत आहे, एक तलाठी तरी या ठिकाणी सापडल्याची बातमी येत आहे। महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये जिल्हा परिषदच्या कारभाराचे लखतर टांगली त्या ठिकाणी जात आहेत, आणि आमच्या जिल्ह्यातील जनता पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहे, घरकुलापासून त्या ठिकाणी वंचित आहे, सर्वसामान्य लोक हे नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत। त्यावेळेस सगळे अधिकार या नोकरशाहीच्या हातामध्ये एकवटले जाणार आहेत,
त्यावेळेस सुद्धा ते त्या ठिकाणी कारवाई करत नाहीत, भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचं काम करतायत, हे या जिल्ह्यामध्ये आम्ही चालू देणार नाही, हा आमचा ठाम निर्धार या होळीच्या निमित्तानं आम्ही व्यक्त करत आहोत. जुलै 2019 अगोदर 12व्या वित्त आयोगातल्या झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात आली, चौकशीमध्ये दोषी व्यक्ती आढळल्या, रिकव्हरी करण्याची आवश्यकता आढळली, परंतु या जिल्हा परिषदमधल्या प्रशासनानं या भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घातलं, त्यांच्याविरुद्ध कुठलीही कारवाई आज तागायत त्या ठिकाणी केलेली नाही. आमचा हट्ट आणि आग्रह आहे की या भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आज उपोषणाचा 3रा दिवस या ठिकाणी चालू आहे. दडपशाही जी झाली धारासूरमध्ये, त्या दडपशाहीच्या विरोधात गावातील तरुण मंडळी आणि ग्रामपंचायत सदस्य या ठिकाणी मागील 3 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहेत. वेळोवेगळी मागणी करूनही कसल्याही प्रकारची माहिती दिली जात नाही. मोठे अधिकारी असतील, जिल्हा परिषदचे अधिकारी असतील, पंचायत समितीचे अधिकारी असतील, ही माहिती दडपवण्याचं काम करीत आहेत आणि भ्रष्टाचारी लोकांना हे वेळोवेळी पाठीमागं घालत आहेत. वेळोवेळी चौकशीची मागणी करूनही ते कानाडोळा करत आहेत. अशा या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो आणि त्यांची भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची या ठिकाणी आम्ही होळी करतो. यार भी मिलेगा प्यार भी मिलेगा सब कुछ अपने साथ है पूरा पैसा मेरे हाथ है. ये मेरा शहर ये मेरी डगर सर पे है आकाश मेरा है घर. मैं ही गलत मैं ही सही मैं ही फैसला हूँ खाता बही. ए बिट्टा ये मेरा अड्डा पुष्प नाम समझकर फ्लावर समझे क्या. फायर हूँ मैं झुकेगा नहीं साला. बुरा ना मानो होली है. क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई. बुरा ना मानो होली है. एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने विधानसभा में सभी को नचाती रही. ये चतुर नार बड़ी होशियार. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार. परवनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार. परवनी में तकरीबन 4 से 5 साल के बाद ऐसा एक कुल हिंद मुशायरा हो रहा है जिसमें सज्जूलाला मित्र मंडल की जानिब से कुल हिंद मुशायरा रखा गया है. ये हिंदुस्तान के नामी गिरामी शायर इसमें आ रहे हैं. ये किस तरीके से प्रोग्राम रखा गया है आइए हम जानते हैं. सज्जूलाला मित्र मंडल के सर्वसर्वा सैयद समी उर्फ माजूलाला मनपा सभागृह नेता, इनसे आज मुलाकात करने को हम व्यूअर्स और दर्शकों के लिए आए हुए हैं. सर, आज अपने पास जो मुशायरा लिया जा रहा है, कोरोना के काल में जो टेंशन था वो टेंशन एक मुक्त करते हुए आपने जो एक मशवरा करते हुए आज परवनी वासियों के वास्ते जो एक काम रखा है, ये एक प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में रूपरेखा हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं. आज 20 मार्च को जो मुशायरा रखा गया है, एक शाम सज्जूलाला के नाम, अमृत महोत्सव के 75वें महोत्सव के मौके पे, आज़ादी के मौके पे जो रखा हुआ है, इसके अंदर पूरे शोरा आने वाले और ऑल इंडिया मुशायरा है. और ये मुशायरा सज्जूलाला ने इसकी शुरुआत करे थे वरवनी में, अल्हम्दुलिल्लाह ये 29वां मुशायरा है हमारे फैमिली की ओर से. इसके अंदर बड़े बड़े मुशायरे हुए. ये आज का जो मुशायरा है सबसे हटके मुशायरा है, बड़ा मुशायरा है. और ये आवाम के अंदर जो बेदारी थी, परेशानी थी कोरोना से, कोरोना जो 3-4 साल से लोगों के घर में बहुत सारे तकलीफों से गुजरे हमारे लोग वरवनी ज़िले के, इस वास्ते हम लोगों ने एक शाम सज्जूलाला के नाम जो मुशायरा मुनक़द किया गया है वो ऑल इंडिया मुशायरा है. इसमें मैं हर एक को मदु करूँगा ये मुशायरा सुनने के लिए. इसके अंदर बहुत अच्छे शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आला पैमाने पे, बड़े पैमाने पे मुशायरा होगा. और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि सबने आना चाहिए और सुनना चाहिए. ये मुशायरा उसी की एक शक्ल है, उसी का एक हिस्सा है कि सज्जूलाला का एक शौक और ज़ौक रहा कि उन्होंने उर्दू के लिए हमेशा खिदमत अंजाम दी. परभनी के नामी ईरानी शख्सियत जो मराठवाड़े में मशहूर है, सज्जूलाला मित्र मंडल की जानिब से आज उन्हीं की जानिब से यहाँ पर बहुत बड़ा मुशायरा लिया जा रहा है, कुल हिंद मुशायरा. उसके जॉइंट कन्वीनर
सैयद इमरान हुसैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि भाई इसमें कौन से शोरा आ रहे हैं और उन शोराओं को हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, परभनी शहर में करीबन कोरोना के 4 सालों के बाद एक ऐसा ऑल इंडिया लेवल का मुशायरा सज्जू लाला मित्र मंडल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की जो रहनुमाई करते हैं वो इंटरनेशनल शायर, उनको हमने मधु किया है, जिसमें नवाज देवबंदी है, संपत सरल है, इकबाल अशर है, जौहर कानपुरी है, नदीम फरोख है, नईम अख्तर है, मैशर आफरीदी है, उस्मान मीनाई है, खैसर खालिद साहब IPS जो कि रेलवे के ADG है वो खुद इस मुशायरे में आ रहे हैं, यूसुफ दीवान है, नईम फराज है, आदिल रशीद है, अथर शकील है, ऐसे ऑल इंडिया लेवल के शोरा को हमने मधु किया है। और आपके इस चैनल के माध्यम से परभनी शहर के ख़वातीन को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने आप लोगों के लिए भी अलग-अलग पर्दे के इंतज़ाम के साथ मुशायरे में इंतज़ाम किया है, तो लेडीज़ भी जो मुशायरे का शायरी का ज़ौक़ रखते हैं वो बिल्कुल इस मुशायरे में आ सकते हैं। बिल्कुल। और भारत के आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को देखते हुए उसके मद्देनज़र हमने सज्जू लाला मित्र मंडल की तरफ से एक शाम सज्जू लाला के नाम आने वाले 20 मार्च गोल्डन फंक्शन हॉल इतवार का दिन है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके माध्यम से लोगों को मधु करना चाहता हूँ कि आप लोग इस मुशायरे में आकर इस मुशायरे का लुत्फ़ लीजिए। हम आपको ये बात अवगत कराना चाहते हैं कि इस मुशायरा परभनी शहर में मुशायरा लेना, ये जो तो हमारे मरहूम हयात सज्जू लाला का ये परंपरा रही है, जिस तरह से आज हमारे माजू लाला ने बताया कि 29 सालों से इनके घराने ने ये मुशायरा लेना शुरू किया हुआ है, और जो भी वो काम हाथ में लेते उसे पूरा कामयाबी के साथ सामने लाते हैं। और हम ये बात हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ये चार साल हम किस तरह से मुसीबतों में गुजरे, ये बात को देखते हुए उनके मुसीबतों के और मायूसी को दूर करने के लिए और हमारे जज्बात शायरों के ज़बानी बताने के लिए हिंदुस्तान की हालत क्या चढ़ रहे हैं और हमारे परभनी की हालत क्या चढ़ रही है, ज़िले की हालत क्या रहेंगे, इसके बारे में ये हमारे प्रशासन तक बताने के लिए ये मुशायरे का आयोजन किया गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करते हुए अपना लुत्फ़ उठाए और अपने जो टेंशन है उसको टेंशन से मुक्त होते हुए प्रशासन को हम किस तरह से हमारे शायर इसमें से अपना अवगत कराएंगे ये बात को समझे, यही बात का मकसद है। और जिस तरीके से यहाँ पर हमारी महिलाएँ, उन महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर स्पेशल इंतज़ाम किया गया है, और आप जानते हैं कि जब सज्जू लाला मित्र मंडल और सज्जू लाला भी हमारे जिस वक्त प्रोग्राम लेते थे तो ये महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर अलग से इंतज़ाम किया करते थे, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई यानी कि हुल्लड़पना नहीं दिखेगा ना हुल्लड़बाजी दिखेंगी, ये वहाँ के वॉलंटियर और जिस तरीके से वहाँ काम किया जाएगा वो पूरी तरीके से एक नियोजनबद्ध रहता है, इसलिए वो महिलाओं से भी हमारी अपील है अपने ख्यालत जो शायर बोलेंगे उन ख्यालतों को लेकर जाए और प्रशासन को भी इस ख्याल का बिल्कुल अवगत कराएंगे हमारे शायर, यही इसका मकसद है और ये रखने का भी मकसद यही था उनका, ये बात उन्होंने आज बताई। हमारी आज ये लिए हुई मुलाकात आपको किस तरह दिखाई दे रही है इस पर हमको आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। उसी तरह अब जब ये न्यूज़ आप देख रहे हैं तो हमारी लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारे न्यूज़ को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हज़ारों नेकियाँ दरिया में अपनी डाल देते हैं, हज़ारों नेकियाँ दरिया में अपनी डाल देते हैं, हम अपनी नेकियों का शहर में चर्चा नहीं करते, ऐसी ही नेकियां करके दरिया में डालने वाली शख्सियत के मालिक थे मोहतरम सज्जू लाला। मोहतरम सज्जू लाला साहब की याद में 20 मार्च को सज्जू लाला फैंस क्लब की जानिब से एक मुशायरे का इनेकाद किया गया जिसमें हिंदुस्तान भर से तमाम मोतबर शोरा तशरीफ ला रहे हैं। इंशाल्लाह मैं भी अपनी हाजिरी दर्ज करवाऊंगा। तो दोस्तों आइए मिलते हैं 20 मार्च को गोल्डन फंक्शन हॉल परभनी के अजीमुशान मुशायरे में। आप सबका इंतज़ार रहेगा, आपका दोस्त नईम फराज। दिया था तुमने जो सौगात में आज़ार जिंदा है, दिया था तुमने जो सौगात में आज़ार जिंदा है, चले आओ आयादत को अभी बीमार जिंदा। मैं हाशिविंग का कवि और लेखक संपत सरल आ रहा हूँ 20 मार्च 2022 को परभनी ऑल इंडिया मुशायरा में शिरकत करने जो आयोजित किया जा रहा है आदरणीय सज्जू लाला की याद में। तो याद रखिए 20 मार्च 2022 की शाम परभनी ऑल इंडिया मुशायरे में आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिजनों के साथ जरूर आए सुनने के लिए। ऑल इंडिया मुशायरा परभनी में नमस्कार। सबसे बेजार हो गया हूं मैं,
जहनी बीमार हो गया हूं मैं। कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूं मैं। दोस्तों, मैं शराफ़ती आपसे मुखातिब है, आदाब। 20 मार्च बरोज़ इतवार 2022 गोल्डन फंक्शनल हॉल परभनी में एक शाम सज्जू लाला के नाम से एक ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। मुझे भी उसमें हाजिर होने के लिए कहा गया है। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी, आप लोग तशरीफ लाइए, मेरी नेक ख्वाहिशात। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त नदीम फरूख एक खुशखबरी आपको देनी है, इसलिए आपके बीच हाजिर हुआ। और वो खुशखबरी ये है कि महाराष्ट्र की एक बेहद मशहूर मारूफ और अदब नवाज शख्सियत मरहूम सज्जू लाला के नाम एक यादगार शाम के उनवान के तहत एक अजीमुशान मुशायरे की महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। अजीमुशान महफिल मुशायरा का इनेकाद 20 मार्च 2022 रात 8:30 बजे गोल्डन फंक्शन हॉल परभनी में किया जा रहा है। इस मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता शोरा इकराम के साथ साथ मैं आपका दोस्त नदीम फर्रुख भी मुशायरे का हिस्सा रहूंगा, मुशायरे में शिरकत करूंगा और इस मुशायरे की निजामत के फराइज अंजाम देने का हुक्म भी मुझे दिया गया है। तो यकीनन ये मुलाकात बहुत यादगार होने वाली है। इस मुशायरे के रूह रवा सैयद समी साहब उर्फ माजू लाला और इमरान भाई और दीगर अहबाब को जो इस मुशायरे के इनेकाद में शामिल हैं, शरीक हैं, मैं उन सबको बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उर्दू के तमाम परस्तारों से ये इल्तमास कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ लाएँ और इस मुशायरे को कामयाब बनाएं। ये इस मुशायरे में आपके साथ ये मुलाकात बहुत खूबसूरत और यादगार होगी, इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, बेहद शुक्रिया। तुम्हारी याद से आबाद हैं सभी के दिल, तुम्हारी याद से आबाद हैं सभी के दिल, तुम्हारी बातों को हम आज तक नहीं भूले। फकरे परभनी पासबाने अदब मरहूम सज्जू लाला की याद में सज्जू लाला मित्र मंडली 20 मार्च बरोज इतवार गोल्डन फंक्शन हॉल में एक कुल हिंद मुशायरा बउनवान एक शाम सज्जू लाला के नाम मुनक्किद कर रही है। मैं आदिल रशीद दिल्ली से इस मुशायरे में शिरकत कर रहा हूँ। आप सबसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप भी इस मुशायरे में तशरीफ लाएं और मुशायरे को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।